वेलकम बैक टू क्विक एंड डिलीशियस क्यूजीन। और आज की एक्साइटिंग रेसिपी है क्लब सैंडविचेस। ये भी बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले यहाँ पे सैंडविच ब्रेड ले ली है, जिसके मैंने साइड्स कट कर दी हैं। आपके पास सैंडविच ब्रेड नहीं है तो आप दूसरी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, साइड्स काट दें। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर या खीरा लिया है, जिसको कि मैंने स्लाइसेस में काटा है। इसके साथ मेयोनीज हैं 2 से 3 टेबलस्पून। टोमेटो लिए हैं, जिनको आपने फिर राउंड में स्लाइसेस में काटने हैं। चिकन ली थी मैंने तकरीबन, आप अपने सैंडविचेस के हिसाब से चिकन ले सकते हैं। चिकन को मैंने बॉईल करके थोड़ा सा सॉल्ट डाल के श्रेड किया है। इट्स इजी, तकरीबन 20 से 25 मिनट्स में चिकन बॉईल हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास टोमेटो केचप है 2 टेबलस्पून, 3 eggs, हॉट चिली सॉस 1 टेबलस्पून, मेल्टेड बटर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, लेटस या आइसबर्ग एज नीडेड, और चीज स्लाइसेस है मेरे पास। अगेन, जितने आपने सैंडविचेस बनाने हैं उतनी आपको चीज स्लाइसेस आप ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अब सबसे पहले हम एग बना लेंगे। हमने 3 eggs में बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट डालना है, पिंच ऑफ सॉल्ट, और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालनी है फ्लेवर के लिए। तो एग्स को हमने बीट करना है अच्छी तरह से। सो अब हमने एक पैन ले लेना है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और साथ ही हमने एग्स को डाल देना है। देख सकते हैं कि एग एक साइड से ऑलमोस्ट पक गया है, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे, और जब ये पक रहा है तो हम इसको यूं इसके स्लाइस कर देंगे, क्योंकि हमें सैंडविचेस के लिए स्लाइसेस चाहिए। अगर आपको लगे कि एक साइड से एग कच्चा है तो आप इनको फ्लिप करके थोड़ा सा और पका सकते हैं, मगर हमारा एग ऑलमोस्ट रेडी है। सो एग जो है वो रेडी है, हम इसको जो है निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हम चिकन के अंदर चीज़ें डाल लेते हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेयोनीज डालूंगी, मेयोनीज डालने से चिकन का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। और बटर जो हमने मेल्ट किया था वो डाल देंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास बटर नहीं है या आप स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इसमें हॉट सॉस चली जाएगी, और ब्लैक पेपर। अब इसके अंदर जो है हमने सॉल्ट नहीं ऐड किया, क्योंकि सॉल्ट मैंने चिकन को बॉईल करते हुए ऐड किया था, और सॉस वगैरह में मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सो अब हम सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले यूँ मैंने 3 स्लाइसेस रखे हैं, क्योंकि ये 3 स्लाइसेस के साथ मैं सैंडविच बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लाइस में मेयोनीज लगाई है। और इस स्लाइस के ऊपर हम यूँ चिकन लगाएंगे, थोड़ी सी चिकन डालेंगे। चिकन के बाद इसमें थोड़ी सी क्यूकम्बर यूं करके,
tomatoes. अब जो नेक्स्ट वाला स्लाइस है उसको हमने दोनों साइड्स पे मेयोनीज लगानी है, तो पहले मैं इस साइड पे लगाऊंगी. और इसको हम यूं इस तरह से रख देंगे. अब इस साइड के ऊपर दोबारा से थोड़ी सी मेयोनीज लगाएंगे. थोड़ी सी लेटस डाल देंगे. एग रख देंगे. और चीज स्लाइस. अब जो लास्ट वाला स्लाइस है उसके ऊपर भी हम मेयोनीज लगाएंगे. और थर्ड स्लाइस भी इसके ऊपर प्लेस कर देंगे. थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको हम टूथपिक से यूँ सील कर देंगे, फिर सैंडविच टूटता नहीं है. सब सैंडविच को यूँ सेंटर में से कट करेंगे स्लोली. और हमारा सैंडविच रेडी है. अब आपने इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं. देखें बहुत अच्छा लग रहा है. और इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपने हिसाब से कर लें. सो हमारे क्लब सैंडविचेस रेडी हैं. आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें. एंड आई होप यू लाइक द रेसिपी. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्माइलिंग. टेक केयर. बाय बाय.